इफ यू हैव गट एनीथिंग टू आस्क आपको मुझसे कुछ भी पूछना है ना बच्चे देखिये आपको मुझसे कुछ भी पूछना है नाइन एट नाइन वन नाइन नाइन वन नाइन फाइव नाइन दिस इज व्हाट्सएप नंबर दैट आई यूज ऑन माई फोन सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर नाइन एट नाइन वन नाइन नाइन वन नाइन फाइव नाइन वट्सएप नंबर वेर यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओके वन मोर थिंग एक छोटी सी बात आप लोगों को और बतानी थी वो भी पहले बता देता हूँ फिर हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं ठीक है uh, अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए एप पर रेजर पे इंटीग्रेट कब करोगे सर डियर वी हैव जस्ट इनिशियटेड द प्रोसेस हमने प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है रेजर पे के लिए हमने मतलब के वाई सी अपना सबमिट कर दिया बट आई थिंक इट विल टेक वन और टू डेज एक या दो दिन लगेंगे उसके बाद में इफ एवरीथिंग इज फाइन द अकाउंट विल गेट एक्टिव एंड आप इस वीक एंड तक दिस वीकेंड बाई दिस वीकेंड अब मुझे लगता है कि जो हमारे फॉरन स्टूडेंट्स हैं दे विल बी एबल टू ज्वाइन आर पेड बैचेस वो हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे ठीक है रियलीसिएट यस really मैं तो लोगों के पेशेंस को एंड द ट्रस्ट यू हैव गोट इन मी दू है उसको रियली really बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और थोड़ा सा इंतजार और कर लो इट विल टेक मैक्सिमम सेवन डेज बहुत ज्यादा लगेंगे तो सात दिन और लगेंगे और उसके बाद में जो फॉरन स्टूडेंट्स है दे विल बी एबल टू ज्वाइन अवर पेड कोर्सेज ऑन द ऐप ठीक है मैं आपको ऐप आप को लेकर कुछ बच्चों बताने जा रहा था मैं ये बताने जा रहा था कि जो हमारा ऐप है एस एक लाइव ठीक है उनमें उस ऐप पर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ए, सम स्टूडेंट्स वर फेसिंग प्रॉब्लम्स टू एक्सेस द कोर्स ठीक है या जो नए स्टूडेंट्स थे वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे ऐप को तो मैं आपको बताता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है अभी तक नहीं किया है तो अब जब आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे देन यू वॉन्ट एनी प्रॉब्लम

इंस्टॉल इट अगेन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर आप उसको गूगल प्ले स्टोर से दोबारा इंस्टॉल कर लें हमने क्या किया है जो हमारा ऐप है उसको एकदम से फिर से रेफ्रेश कर दिया एक तरीके से आप कह लीजिए कि हमने उसको आ, मतलब उसका पुराना वर्जन था उसको डिलीट कर दिया है गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है रिमूव कर दिया है और हमने उसका अपडेटेड वर्जन न्यूअर वर्जन जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड किया है ठीक है सेम लोगो है ब्लैक ठीक है और सेम नेम असेक ब्लैक ठीक है वो आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से उस एप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है आप वहां से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है या असक लाइव सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने ऐप को यूज कर रहे हैं अभी जिन स्टूडेंट्स ने पुराना ऐप हमारा डाउनलोड कर रखा है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप उस पुराने ऐप को अन इंस्टॉल करें बिकॉज उस पर फिर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो अब हम उस ऐप को ना डिस्कंटिन्यू कर रहे हैं

ये एंड्राइड एप्लीकेशन है आप इसको एंड्राइड फोन्स पे यूज कर सकते हैं आईफोन्स uh, पे नहीं होगा इट वाज ऑल बिकॉज़ ऑफ यू दैट आई स्कोर 185 मार्क्स थैंक यू क्रेडिट गोस टू यू क्रेडिट आपको जाता है बच्चे अच्छे होते हैं देखिए लोग कहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ बट मैं कहूंगा कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्रीम होते हैं वो गजब होते हैं मतलब uh, ऐसे बच्चे ढूंढने बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में मतलब मार्केट में ऐसे बच्चे नहीं मिलते हैं ठीक है तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं वो इतने अच्छे होते हैं मेहनती होते हैं सिंसियर होते हैं फोकस्ड होते हैं और उनके साथ अगर मैं मेहनत करता हूं तो वो उस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं सो तो, आप मुझे थैंक यू कह रहे हो देन मुझे भी आपको थैंक यू कहना चाहिए भाई थैंक यू कि आपने उस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करके दिया ठीक है तो टीचर कुछ नहीं कर सकते अकेले कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए नहीं कर सकता जब तक उस के काबिल उसको स्टफ ना मिल जाए जब तक उसको उस काबिल बच्चे ना मिल जाए जिनपे वो मेहनत करे वो बच्चे रिजल्ट में उसको कन्वर्ट करें ठीक है तो आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी हियर मैं इस मामले में अपने को बड़ा लकी पाता हूं कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना पढ़ने चाहे हमारे पेड कोर्सेज में होते हैं या हमारे ऑफलाइन बैचेस में होते हैं बड़े डिसिप्लिन बच्चे होते हैं बड़े फोकस्ड बच्चे होते हैं बड़े सिंसियर बच्चे होते हैं और मेहनत करने को बहुत तैयार होते हैं तो हम अच्छे रिजल्ट ले पाते हैं और फिर मुझे उन रिजल्ट्स को एडवर्टाइज करने का या उन बच्चों के अपने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यूज करने का ये सब मुझे मतलब एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है कि मैं बच्चों के रोल नंबर्स बच्चों के मार्क्स बच्चों के सिलेक्शन बच्चों की आ, क्या नाम जो नहीं होता वो क्या कहते हैं सर रोल नंबर और बच्चों के इंटरव्यूज वगैरह करूँ आई नेवर नीड दैट मुझे कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती ठीक है तो ये केवल इसीलिए कि वो बच्चे होते ही इतने अच्छे हैं कि उनके साथ जब मैं मेहनत करता हूं तो कन्वर्ट इट इंटू रिजल्ट ठीक है चलिए और सो आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू नॉट ओनली ग्रामर बट आल्सो लॉजिक्स ये बच्चों मैं आपकी वजह से करवाता हूँ तुम लोग इतने गजब होते हो इन चीजों को समझ लेते हो जो मैं कहता हूँ इसलिए मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ नहीं तो मतलब ये एक तरीके से शिकायत करने वाली बात हो जाएगी लेकिन नहीं तो मैंने भी देखा है कि ऑनलाइन बैचेज में यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं बहुत शरारती होते हैं नहीं बहुत ज्यादा शरारती होते हैं तो एकदम फोकस्ड नहीं होते हैं बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं होते हैं उनका ध्यान पढ़ाई पे कम इधर उधर की चीजों पे ज्यादा होता है उनकी जरूरत ही होती उनके टीचर्स मस्खराई करें उनके टीचर्स उनके साथ जुकराई करें मोटिवेशन की बातें बताएं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में उनके टीचर्स उन्हें बताएं कि कैसे वो साइकिल पे घूमते थे कैसे वो टाटपट्टी पे बैठ के पढ़ते थे वो दुनिया भर की बातें सुनते हैं तो ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा यूट्यूब पढ़ने वाला बच्चा मैंने देखा कि बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और सीरियस स्टफ को कम पसंद करता है उसको बातें बहुत अच्छी लगती हैं सर उसकी बातें करें उसको मोटिवेट करें इधर उधर की बातें करें ठीक है तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो एकदम ऐसे होते तो हैं टू द पॉइंट बात सुनना चाहते हैं मैं भी टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ भाई पढ़ाई की बात करो बाकी दोस्तों की बातें मैं पास्ट में क्या था मैं कौन से स्कूल में पढ़ा मेरे टीचर कौन थे वो तो तुम छोड़ो ना तो मैं कहते हैं ठीक है तो हम अच्छे रिजल्ट इसलिए निकाल पाते हैं क्योंकि बच्चे अच्छे होते हैं ठीक है उनको पता होता है कि वो किस लिए उन्होंने बैच ज्वाइन किया है उनको पता होता है कि वो मेरे पास किस लिए आए हैं ठीक है बहुत सा बच्चा होता है वो अपना नहीं समझता इन बातों को ठीक है तो बच्चे अच्छे मिल जाते हैं इसलिए हम अच्छा पढ़ा लेते हैं तो काम चलता रहता है चलिए वाई रिमूव डिस्कशन ग्रुप फ्रॉम टेलीग्राम डियर सरलोक सागर सर्लॉक्स ठीक है बढ़िया ये मुझे लगता है आर्थर कॉन डॉयल के या फिर ये सर्लॉक Holmes के फैन है ठीक है डिस्कशन ग्रुप मैंने क्रिएट किया बट मैंने उसको डिलीट कर दिया एक डेढ़ घंटे बाद क्योंकि मुझे लगा कि दैट इज नॉट what आई नीडेड मुझे उसकी जरूरत नहीं थी बहुत distracting था ध्यान बटाने वाला था फोकस खत्म करने वाला था आज कुल मिला के फिर से मैं बता देता हूं अगर हमारा आप ऐसा ऐप पहले से डाउनलोड कर रहे हैं ए, यूज कर रहे हैं तो उसको अनइंस्टॉल करके फिर से उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे है वहां से उसको डाउनलोड कर ठीक है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपको कुछ भी डाउट पूछना है कोई क्वेश्चन पूछना है कुछ भी इंक्वायरी कुछ भी है मतलब तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज लिखकर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए बाकी ग्रुप्स वगैरह नहीं तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सब्जेंटिव मूड लेकिन सब्जेंटिव से पहले हम समझ लेते हैं कि मूड कि भाई मूड क्या होता है ठीक है फिर उसके बाद में हम उस पर भी आ जाते हैं देखिए

They have bought a car. ठीक है एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दू एक मिनट चलिए देखिए दे हैव हैव लिखना द हैड लिख गया चलो दे हैव अ कार ठीक है दूसरा दे हैड अ कार तीसरा आई इंसिस्ट I insist that they have a car. Second or fourth, I wish that they had a car. ठीक है तो मैं आपको ना सबसे पहले ये समझाते हूँ मूड क्या है मतलब हम सब्जेक्टिव मूड हमें पढ़ने है, मतलब हमारे टॉपिक तो सब्जेक्टिव मूड है हम घुमा फिरा के उसी को डिस्कस करेंगे लास्ट में ऑफलाइन बैच कब आएगा बच्चे बस ऑफलाइन जितना तुम ऑफलाइन पढ़ने के लिए ईगर हो इफ ट्रस्ट मी उससे हंड्रेड टाइम्स ज्यादा मैं ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्सुक हूं इट गोना बी इयर ऑलमोस्ट अयर लगभग एक साल हो गया है क्लास में बच्चों को सामने बिठा के उन्हें खींचे हुए उनको कुछ मतलब पढ़ाए हुए बताए हुए मतलब व्हाइट बोर्ड पे मार्कर चलाए हुए लगभग एक साल होने जा रहा है ठीक है दो महीने और बच्चे जनवरी फरवरी कंप्लीट हो जाए तो समझ लो दो साल हो जाएंगे एक साल हो जाएगा ठीक है दो दो महीने बाद एक साल हो जाएगा कि जब से हमने व्हाइट बोर्ड पे मार्कर नहीं चलाया ठीक है ये स्मार्ट बोर्ड यूज कर करके कर पक गए सही बताए इतने दिन में इससे पक गए वाइट बोर्ड पे पढ़ा चुके हैं लगभग दस साल ऑलमोस्ट टेन इयर्स आई टॉट ऑन व्हाइट बोर्ड ठीक है विद डेट मार्कर रेनॉल्ड्स का मार्कर उससे पढ़ा है इस स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा के ना एक साल में भाई उब गए ठीक है तो जितना तुम लोग ईगर हो ऑफलाइन में पढ़ने के लिए उससे हंड्रेड टाइम्स थाउजेंड ताँज टाइम्स ज्यादा मैं ईगर हूं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाने के लिए ठीक है बट हमें थोड़ा सा ही वेट और करना है इट्स नॉट अबाउट मंथ्स नाउ इट्स अबाउट वीक्स ओनली अब ये केवल वीक्स की बात है दो तीन हफ्ते की बात है और फिर हम ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे ठीक है मैं भी चाहता हूँ ये स्मार्ट बोर्ड से पीछा छूटे फिर से वही व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊँ सामने बच्चे बैठे हों उनको खींचे उनसे पूछे उनको बताए ठीक है तो मैं भी ये चाहता हूँ बट थोड़े से हफ्ते की बात है ठीक है आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए दो तीन हफ्ते में हम लोग फिर से ऑफलाइन मोड में आ जाएंगे ठीक है आ जाइए तो देखिए हियर आई हैव देखिये

या वर्ब के उस एट्रीब्यूट को जिसके थ्रू यह एक्सप्रेस किया जाता है कि वो वर्ब जिस एक्शन का जिस एक्शन को एक्सप्रेस कर रही है वो एक्शन किस स्टेट में स्टेट का मतलब है 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 तो है कंप्लीट प्रोसेस में तो एस्पेक्ट वर्ब की फॉर्म शो करती कि जिस एक्शन को उस वर्ब के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एक्शन कंप्लीट uh, है इनकम्प्लीट है प्रोग्रेस में है या फ्रिक्वेंट है यह एस्पेक्ट शो करता है मूड यह नहीं शो करता होता क्या है जो एस्पेक्ट हम टर्म यूज करते हैं ना वो एस्पेक्ट टर्म यूज होता है उन वर्ब के लिए जो इंडिकेटिव मोड में होते हैं तो जब आप एस्पेक्ट कहते हो बच्चे ठीक है तो एस्पेक्ट से मतलब एस्पेक्ट से मतलब केवल इंडिकेटिव मोड की वर्ब से होता है केवल इंडिकेटिव मोड की वर्ब से मतलब होता है एस्पेक्ट का ठीक है और ये जो मूड जब हम कहते हैं तो मूड में इंडिकेटिव भी इंक्लूडेड होता है आपका सब्जेंटिव जो आज का हमारा टॉपिक है ये भी इंक्लूडेड होता है और इम्पेटिव भी इंक्लूडेड होता है तो मूड को डिफाइन हम कैसे करें एस्पेक्ट से डिफरेंट क्या हुआ तो मूड हम कहते हैं वर्ब की फॉर्म्स को जिनके थ्रू फिर से ध्यान देना एस्पेक्ट वर्ब की स्टेट होती है एस्पेक्ट इज द स्टेट ऑफ द एक्शन एस्पेक्ट इज द स्टेट ऑफ द वर्ब बट मूड इज नॉट द स्टेट ऑफ द वर्ब इट इज नॉट द स्टेट ऑफ द एक्शन फॉर्म ऑफ दी वर्ब ये हम कहते हैं वर्ब की फॉर्म को तो एस्पेक्ट मोड में एक डिफरेंस आपको ये ध्यान रखना स्टेट ऑफ द एक्शन स्टेट ऑफ दर्ब बट मूड इज नॉट दर्ब मूड इज द फॉर्म ऑफ दर्ब मूड वर्ब की फॉर्म है वर्ब की फॉर्म जिनके थ्रू हम ये शो करते हैं कि स्पीकर उस बात को किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस इंटेंशन के साथ कह रहा है मतलब अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसको कहने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है मतलब टू उसको मूड कहते हैं ठीक है यहां तक आगे तुम लोग कमेंट काफी कर रहे हो कितना ऑफलाइन की फीस हाँ ऑफलाइन की फीस तो अभी डिसाइड नहीं हुई बेटा <laughs> अभी तो बैच ही नहीं स्टार्ट किया तो फीस भी डिसाइड नहीं हुई बट जब बैच लॉन्च करेंगे तो फीस भी डिसाइड हो जाएगी ठीक है <laughs> ये बच्चे पता है मुझसे फीस पहले से क्यों पूछ लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बदनाम हूं थोड़े से ज्यादा फीस के लिए जबकि ऐसा है नहीं तो ये सोचते हैं कि पहले फीस कंफर्म कर लें सर कितनी लेंगे उस हिसाब से फिर बाद में मोड बनाए देखिए मैं कम या ज्यादा का नहीं कहता मैं ये नहीं कहता कि फीस कम होगी या ज्यादा होगी बस मैं ये कहता हूँ रीजनेबल होगी रीजनेबल होगी मतलब आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको ये नहीं लगेगा कि आपने गलत जगह फीस दे दी या गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया मतलब आई वॉन्ट लेट यू फील दिस मैं आपको ऐसा फील नहीं करने दूंगा कि आपको ये फील हो कि दैट यू हैव वेस्टेड योर मनी ठीक तो, है तो रीजनेबल होगी बस ये है देखो अब यहां पे एक बात समझना ये जो दोनों स्टेटमेंट्स लिखे हैं इन स्टेटमेंट्स को हम इस तरीके से समझते हैं दे हैव अ कार दे हैड अ कार फैक्ट ठीक है आई इंसिस्ट दैट दे हैव अ कार मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं दे हैव अ कार दे हैड अ कार दे हैड कार ठीक है ये दो स्टेटमेंट है ये जो हमने लिखा दे दे हैव अ अ कार कार हैड ये फैक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये एक फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है है कि उनके पास कार दे हैड अ कार ये भी एक फैक्ट है पास्ट का कि उनके पास एक कार थी तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है इनमें ये लिखी गई जो वर्ब है ना ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है फैक्ट को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब है यहां पे आ जाएं। आई इंसिस्ट दैट दे हैव अ कार मैं ऐसा इंसिस्ट कर रहा हूं कि उनके पास कार हो तो इसका मतलब अगर मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि उनके पास कार होनी चाहिए तो इसका मतलब अभी उनके पास कार नहीं है ठीक है आई विश विश दैट दे हैड अ कार कार और मैं कर रहा हूं कि उनके पास कार होती तो इसका मतलब उनके पास कार नहीं होगी नहीं है तभी मैं ऐसा विश कर रहा हूं कि उनके पास कार हो ये दोनों स्टेटमेंट है ये नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसको मैं फैक्चुअल कर देता हूं ये फैक्चुअल और ये नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि जो हम सब्जेंटिव मूड यूज करते हैं तो सब्जेंटिव मूड का यूज किया जाता है उस केस में जब वर्ब के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा एक्शन नॉन फैक्चुअल शुड आई रिपीट माई सेल्फ ठीक है चलिए मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं फिर से ध्यान से मेरी बात सुनना सब्जेंटिव मूड जो होता है पहले तो ये डिफरेंस समझ लो ठीक है दे हैव अ कार दे हैड अ कार ये दो तो स्टेटमेंट्स हैं दे हैव अ कार दे हैड अ कार ये दो तो क्लॉजेस हैं क्योंकि ये पूरा सेंटेंस है और ये सेंटेंस में दो क्लॉज है तो ये जो दे दे हैव अ अ कार कार हैड ये जो दोनों सेंटेंस है वो यहां भी है वहां भी है बट प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव अ कार दे हैड अ कार को अगर हम एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस यूज करेंगे तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है फैक्चुअल का मतलब विच इज ट्रू ठीक है जो सच है लेकिन जब हम ऐसे लिख देंगे आई विश दैट दे दे हैव हैव अ अ कार कार तो ये they have a car एक फैक्चुअल नहीं, नहीं है नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये ट्रू नहीं है दे डोंट हैव एनी कार बट आई इंसिस्ट मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि उनके पास कार हो बट है नहीं आई विश दैट दे हैड अ कार दास इनके पास कार होती तो इसका मतलब इनके पास कार नहीं है तो यहां पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा ना दे दे हैड अ कार हैव अ कार ये नॉन फैक्चुअल है ये नॉन फैक्चुअल एक्शन है नॉन फैक्चुअल का मतलब ये ऐसा नहीं हुआ है यहां पे ऐसा हो चुका है तो ये जो नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती हैं ये जो इंफॉर्मेशन होती हैं नॉन फैक्चुअल इनके लिए हम यूज करते हैं सबजेंटिव मोड इनके लिए हम यूज करते हैं सबजंक्टिव मोड और ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटिव मोड सबसे पहले डिफरेंस समझ लें ठीक है तो अगर हम किसी वर्ब फॉर्म के थ्रू किसी ऐसे एक्शन को किसी ऐसे इवेंट को रेफर करें जो ट्रू है ठीक है जो हो चुका है रियलाइज है ठीक है जो फैक्चुअल है तो वो वर्ब इंडिकेटिव मोड में होती है लेकिन जब हम किसी वर्ब के थ्रू किसी ऐसे एक्शन को रेफर या रिप्रेजेंट करें जो कि नॉन फैक्चुअल है नॉन रियलाइज्ड है तो वहां पर सब्जेक्टिव मोड लिखने पड़ते हैं तो अगर मैं सीधे शब्दों में आपसे कहूं सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो इस सेंटेंस में लिखी गई वर्ब हैव और इस सेंटेंस में लिखी गई वर्ब इंडिकेटिव मूड में है इनको हम इंडिकेटिव मूड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वर्ब जिस एक्शन को रेफर कर रहे हैं ना वो एक फैक्चुअल एक्शन है एक फैक्चुअल सिचुएशन है लेकिन ये जो वर्ब हमने हैव यहां यूज किया या जो हमने हैड यहां यूज किया हम इसे इंडिकेटिव मूड नहीं कह सकते इंडिकेटिव मूड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दे हैव अ कार एक फैक्ट नहीं है दे हैड अ कार एक फैक्ट नहीं है ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है ठीक है हमें कैसे पता चला फैक्चुअल नहीं है हमें पता चला मेन क्लॉजेस इन सेंटेंसेस की जो इनकी मेन क्लॉजेस हैं उनसे हमें यही आइडिया मिला कि ये फैक्ट नहीं है ये उसका ऑर्डर है डिमांड है आई आई का डिमांड कर रहा है कि इनके पास कार हो मतलब इनके पास कार नहीं है ये फैक्ट हो गया आई विश दैट दे कार यहाँ पे आई पर्सन जो है वो ऐसा इमेजिन कर रहा है सपोज कर रहा है हाइपोथिस है उसकी कि उसके पास कार हो बट एक्चुअली उनके पास कार नहीं होगी तभी उसको ऐसा विश करना पड़ रहा है तो ये नॉन फैक्चुअल है तो ये जो दोनों वर्ब हैं ये नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रही हैं तो ये सब्जेक्टिव मूड में ठीक है ये जो दोनों वर्ब हैं ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रही हैं तो इंडिकेटिव मोड में ठीक है आई इंसिस्ट दैट दे शुड हाँ बेटा इस पर भी आएंगे अभी इस पर भी आ जाएंगे ठीक है तो यहां पर आप आ, सबसे पहले फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल एस्पेक्ट समझिए कि जो हमारी वर्ब होती है वो फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल दोनों कंडीशन में यूज हो जाती है तो जो वर्ब्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को फैक्चुअल सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रही होती हैं वो तो होती है इंडिकेटिव मोड में जो वर्ब्स नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही होती हैं, जो नॉन फैक्चुअल सिचुएशंस को एक्सप्रेस कर रही होती हैं, वो होती हैं आपके इंडिकेटिव मोड में ठीक है तो सॉरी सब्जेक्टिव मोड मैं इंडिकेटिव कह गया दोबारा से सब्जेक्टिव मोड ठीक है तो सब्जेक्टिव मोड जो होता है ये उन वर्ब्स में पाया जाता है या उन वर्ब्स को सब्जेक्टिव मोड में कहा जाता है या उन वर्ब्स को सब्जेक्टिव मोड में यूज किया जाता है जिनके थ्रू किसी नॉन रियलाइज्ड क्चुअल इवेंट को या किसी नॉन रियलाइज नॉन फैक्चुअल एक्शन को मेंशन करना हो ठीक है ये सब्जेक्टिव मूड है चलिए अब मैं सब्जेक्टिव मूड को थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करता हूं जैसा कि आप लोग अगर पहले से जानते हो तो ठीक है नहीं जानते हो पहले से तो भी ठीक है मतलब अब मैं बता तो दूंगा ही सारी चीजें डिटेल में तो से समझ लें पहले से अगर नहीं जानते हैं। सब्जेंटिव मूड को ब्रॉडली दो तरीके से हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड ठीक है और पास्ट सब्जेंटिव मूड फिर से समझ लें सब्जेंटिव मूड जो होता है मतलब नॉन फैक्चुअल वर्ब्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव मूड जो नॉन फैक्चुअल इवेंट्स को नॉन फैक्चुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करता है सब्जेक्टिव मूड ठीक है दो टाइप का एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और एक पास सब्जेक्टिव मूड वो जो दोनों एग्जाम्पल्स हमने पहले लिखे थे अगर मैं उन एग्जाम्पल्स को दोबारा लिखू ठीक है फिर से लिख देता हूं आई इंसिस्ट दैट दे है कार ठीक है। दूसरा आई विश दैट दे हैड अ कार ठीक है ये दोनों में स्टेटमेंट मैंने फिर से लिख दिया अब इनमें से यहां पर यह जो ये जो वर्ब हमने हैव यूज किया है ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में है ये जो हमने यूज किए ये पास्ट सब्जेक्टिव मोड में है देखिए हमें काफी बातें अभी यहां पर समझनी है मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं सारी बातें लेकिन जो भी मैं कहूंगा ना उसको थोड़ा ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें ठीक है क्योंकि सब्जेक्टिव मूड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है तो अगर हम कोई बात पूरी ना समझ पाए या जो कहा गया हम वो ना सुन के कुछ और सुन लें या जितना कहा गया हम उसे आधा सुन लें या ज्यादा सुन लें तो फिर गड़बड़ हो जाती है तो हमें आधा या ज्यादा नहीं सुनना है ठीक है प्रॉपर सुनना है जितना कहा गया वो सारी बातों को सुनना है ठीक है आ जाए टिव हाँ, भी बता देंगे बच्चे बिल्कुल बता देंगे सर कॉजिटिव वर्ब में पढ़ा दो। ओके okay, बेटा, next class में जरूर पढ़ा दूंगा ठीक है हाँ, चिंता ठीक है हाँ। आ जाइए देखिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव है पास्ट सब्जेक्टिव है इसका मतलब क्या जनरली हम प्रेजेंट और पास्ट से मतलब क्या समझते हैं हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर यही होता है देखो 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 मूड में वॉज नहीं आता सर आ, मूड में वॉज यूज कर लेते हैं लोग बट यूज करना नहीं चाहिए ठीक है बाकी अभी मैं समझा रहा हूं मेरी बात सुने ध्यान से देखिए होता क्या है कि जैसे हमने यहां पे लिखा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पास्ट सब्जेक्टिव मूड तो ये जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों वर्ड है ना एक बार पहले इनको समझ लें कई बार इनके साथ में लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे इन्हें टेंस से रिलेट कर लेते हैं देखिए जैसे जब हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा कि टाइम को हम कैटेगराइज कर देते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में टाइम को ठीक है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम फ्यूचर टाइम तो हम उसको टेंस कह देते हैं जो वर्ब की फॉर्म उस टाइम को रेफर कर रही होती है तो हम कह देते हैं पास्ट टेंस की वर्ब प्रेजेंट टेंस की वर्ब फ्यूचर टेंस की वर्ब ठीक है लेकिन यहां पे समझना ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहा जा रहा है ना यहां पे प्रेजेंट का मतलब टाइम नहीं है यहां पे प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फॉर्म है और इसे जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड कहा जा रहा है इस पास्ट का मतलब टाइम नहीं है इस पास्ट का मतलब वर्ब की फॉर्म है फिर से मैं बोल रहा हूं फिर से मेरी बात सुन लो ध्यान से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन शांत दिमाग से अगर सुनना समझना चाहोगे तो समझ में आ जाएगा मुश्किल नहीं है जब हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड या प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहते हैं तो हम प्रेजेंट और पास्ट कहकर टाइम को नहीं रेफर कर रहे होते हैं हम रेफर कर रहे होते हैं वर्ब की फॉर्म को ठीक है तो प्रेजेंट का मतलब आप प्रेजेंट का टाइम ना समझें प्रेजेंट का मतलब

ठीक है अच्छा अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि ऐसी कौन सी वर्ब की फॉर्म होते जिस हैं जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं या जिसे हम पास्ट कहते हैं तो मैं आपको बताता हूं देखो होता है क्या है छोटी छोटी बातें बच्चों को पहले से अगर नहीं पता हूं तो थोड़ा सा मेहनत करके बताना पड़ता है देखिए होता है क्या है गो गोज वेंट गॉन गोइंग ठीक है ये हो गई वर्ब की फॉर्म्स ये भाई वर्क की फॉर्म्स हो गए आपके एक बच्चे ने क्या बना दिया ए? बेटा ये इत... क्या नाम है कब आई एम नॉट क्लियर फॉर आर आरबी प्योर तो बेटा रो मत इतनी नदियां बहाने की जरूरत नहीं है ध्यान दो पढ़ाई लिखाई करो और इतनी अपनी फोटो क्यों बना के तुमने कमेंट कर दी अपनी सारी फोटो अलग अलग टाइप की बना के पोस्ट कर दी ध्यान दो बेटा कोई नहीं फेलियर्स का मतलब कोई रुक जाना थोड़ी होता है फेलियर्स का मतलब होता है और बेहतर से तैयारी करना तो और बेहतर तैयारी करो ये रोने धोने की और ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है ठीक है क्लास में आपके कॉन्सेप्ट्स को टीच करता हूं तो सभी लोग बोलते हैं सर बोरियास महसूस हो रही है अच्छा बोरियत महसूस हो रही है क्या करूं तो बच्चों को दो चार चपका दो जब सीरियस पढ़ाओ और बच्चा कहे कि नहीं समझ में आ रहा है ना तो और बोरियत महसूस हो रही है तो बच्चे को दो चार चपका दो ठीक है <laughs> आ जाओ वो छोड़ो भैया वो अपना देखो कि आपके पास कैसे बच्चे हैं वो उस पर डिपेंड करता है मेरे पास कैसे बच्चे होते तो हैं उनको कैसे टैकल करना मैं जानता हूँ ठीक है बच्चे किस टाइप के हैं स्टूडेंट किस टाइप के हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है उनका एकेडमिक लेवल क्या है ठीक है उनका प्रिपरेशन का लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है उन्हें कैसे टैकल करोगे ये नहीं होता कि एक ही तरीके से सबको आप हाँकने लग जाओगे बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से डील करोगे मतलब किस बच्चों को किस तरीके से समझाना ये डिपेंड करता है उसके अपने लेवल पे ठीक है आप एक ही तरीका सब पे अप्लाई करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ठीक है <laughs> चलो आ जाओ अब यहां पे देखो जैसे हम पढ़ते हैं कि वर्ब की फॉर्म तो ये गो वर्ब की फॉर्म है गोज वर्ब की फॉर्म है वेंट वर्ब की फॉर्म है गॉन वर्ब की फॉर्म है गोइंग वर्ब की फॉर्म है तो जब हम पढ़ते हैं इन वर्ब की फॉर्म्स को तो हम कैसे पढ़ लेते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है और ये कंटिन्यूस फॉर्म है आईएनजी फॉर्म मतलब जिस तरीके से मैं बच्चों के साथ डिस्कस करता हूं या मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ वो तरीका ही है बाकी कुछ बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ लेते हैं ये बी वन बी टू बी थ्री बी फोर वो तो कत रट मारते हैं ठीक है बट एक्चुअली में होता क्या देखो ये वर्ब की होती है प्रेजेंट फॉर्म ये वर्ब की होती है पास्ट फॉर्म ठीक है दो फॉर्म तो ये हो गई ये प्रेजेंट हो गई ये पास्ट हो गई ठीक है ये होती है वैसे तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है ना जब हम इसको एज एन एडजेक्टिव कहते हैं तब तो ये प्रॉपर पार्टिसिपल ही हो जाता है नहीं तो हम इसे कहते हैं वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये पास्ट फॉर्म ये प्रेजेंट फॉर्म ठीक है उसके बाद में बच गई ये हो गई वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म या आप इसको कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म ठीक है या कॉन्टिन्यूस भी नहीं कहना तो मैं देखो इसको कह... एक मिनट एक मिनट बच्चों ये हो गई पार्टिसिपल फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल ये हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ठीक है और ये हो गए थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म ये हो गए तो अभी ये ये क्या है ये वर्ब की फॉर्म्स है ठीक है verb forms go goes went gone going हां प्रैक्टिस बैच लाइए है प्रैक्टिस बैच बेटा मैं youtube पे आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दूंगा बैच मत पूछना और प्रैक्टिस के लिए मुझसे ठीक है मैं youtube पर ही आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दूंगा ठीक है cgl या chsl को लेकर तुम लोग वरिड हो गए ना तो cgl और chsl के लिए मैं आप लोगों को काफी अच्छा स्टफ जो है वो प्रैक्टिस के लिए youtube चैनल पे डिस्कस कर लूंगा अलग से बैच के लिए डिमांड मत करो अब देखो अगर तुम लोग भूल ना गए हो बीच में तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूं मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि जब हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव पास सब्जेक्टिव कहते हैं ना तो यहाँ पे प्रेजेंट पास से मतलब टाइम नहीं होता प्रेजेंट पार्ट से मतलब वर्ब की फॉर्म होती है ठीक है अब रह गई बात यह कि बच्चे को कैसे पता चलेगा प्रेजेंट वर्क की फॉर्म कौन सी होती है पास वर्क की फॉर्म कौन सी होती है क्योंकि हमारे बच्चे जब वर्ग पढ़ते हैं वर्ग की फॉर्म पढ़ते हैं तो वो किस तरीके से पढ़ते हैं वो वर्ग की फॉर्म पढ़ते हैं है 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 ऐसे रट लेते हैं ये रट लेते हैं ठीक है तो मैं आपको समझा देता हूं देखो होता है क्या है ये जो गो है ना गो ये प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की इसे हम प्रेजेंट फॉर्म टाइम नहीं है ये तो तुम्हें पता है कि गो टाइम नहीं है गो वर्ब है तो ये है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है वेंट जो है ये है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है गॉन जो है ये है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है गोइंग जो है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है और ये जो गोज है ये थर्ड पर्सन की सिंगुलर फॉर्म है सब्जेक्ट के लिए मतलब ये भी फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म है लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म तो ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है मोड है इसमें जो प्रेजेंट और पास्ट हम कहते हैं ना वो हम टाइम को नहीं कहते वो हम कहते हैं वर्ब की फॉर्म को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड वर्ब की ये वाली फॉर्म होती है ठीक है पास्ट सब्जेक्टिव मोड वर्ब की ये वाली फॉर्म होती है अब यहां तक अगर तुम लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं ठीक है तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग यस या ओके लिखकर कमेंट कर दो भाई ये बातें यहां तक समझ में आ गई और आगे बढ़ना चाहिए तो मैं आगे बढ़ता हूं ठीक है जो भी अभी तक मैंने आपसे कहा यह बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो आप यस या ओके कमेंट करें एंड देन वी विल मूव ऑन और अगर इससे रिलेटेड अभी कोई डाउट आपके दिमाग में रह गया है या कोई बात आपको अभी उलझा रही है कंफ्यूज कर रही है देन यू आस्क तो आप पूछ लीजिए ठीक है सीजीएल के लिए ग्रामर स्पेशल बैच लेना चाहिए एन वाला बच्चे अगर आप सीजीएल की प्रेपरेशन कर रहे हैं जो अभी आपका सीजीएल ट्वेंटी ट्वेंटी होना है तो ग्रामर स्पेशल बैच मत ज्वाइन करना एन ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना पूछ रहे हो इसलिए कह रहा हूं नहीं पूछते तो अपना जोचा जाके ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है एन ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूं अच्छा हाँ ऐसे ज्यादातर बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं चलिए बढ़िया बड़, बहुत अच्छी बात है आप लोगों को बात समझ में आ गई ये तो चाहिए था ओके 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 वेरी गुड देन देन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई चलो आ जाते हैं बाकी चीजें समझते हैं आपको असल में होता है तो नहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जैसे हमने कहा कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है या हमने कहा पास सब्जेक्टिव मूड है तो बच्चा सोचता है कि प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे टाइम कह रहे होंगे सर जब पास्ट सब्जेक्टिव मोड है तो पास्ट का मतलब टाइम कह रहे होंगे तो ये समझा देना उसको बड़ा जरूरी है कि जब हम पास सब्जेक्टिव मोड या प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड कहते हैं तो हम वर्ब की फॉर्म का रेफर कर रहे होते हैं क्योंकि मूड वर्ब की फॉर्म होती है तो जब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड कह रहे हैं तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब है प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब ठीक है <coughs> पास सब्जेक्टिव मोड का है ठीक है Past mood, past subject, past form of the hmm. ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा हाँ हाँ बिल्कुल रहेगा कहाँ जाएगा चला जाता है या कहीं से वीडियो यूट्यूब से वीडियो कहीं इधर उधर चला जाता है क्या अगर चला जाता होगा तब तो मैं नहीं कह सकता बट मुझे लगता है कि अगर मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं तो यूट्यूब पर रहेगा ठीक है hmm. अब देखो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव पास सब्जेक्टिव टर्म क्लियर हो गई अब आगे आगे बढ़ते हैं भाई इन दोनों में डिफरेंस जैसे हमने कहा कि सब्जेक्टिव मूड दो तरीके हो गए एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हो गया एक पास मूड हो गया तो इनमें डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस समझो क्योंकि बेसिक चीज यही है प्रेजेंट यह। मूड जो वर्ब की फॉर्म होती है, और पास सब्जेक्टिव मूड जो वर्ब की फॉर्म होती है ये तो क्लियर ही हो गया कि ये दोनों ही जो वर्ब की फॉर्म्स होते हैं ये उन इवेंट्स के लिए यूज की जाती हैं जो नॉन फैक्चुअल हैं नॉन फैक्चुअल ठीक है लेकिन नॉन फैक्चुअल इवेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं ठीक है देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग तो ये तो एक फैक्ट है ट्रू है ना बिकॉज आई एम टीचिंग ठीक है यू आर लर्निंग दैट इज अ फैक्ट ठीक है डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया दैट इज अ फैक्ट ठीक है माय फादर लव्स मी दैट इज अ फैक्ट ठीक है रोजेज आर रेड दैट इज अ फैक्ट तो वो सारे फैक्ट्स हैं

मेक इट क्लियर प्रेजेंट प्रिजेंसिव मूड जो होता है इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना हो जो कि कि मतलब जो किसी ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट वगैरह को एक्सप्रेस करे कोई रिक्वेस्ट है कोई एडवाइस है कोई ऑर्डर है मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा हो मतलब हम आप समझे ना इंपेरेटिव मोड होता है, है तो उनमें क्या होता है कि हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ करने के लिए तो ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है ये वही होता है इसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर्स को एडवाइस को रिक्वेस्ट को कि हम चाहते हैं किसी से कोई ऐसा काम करे किसी डिमांड को ठीक है नेसेसिटीज को किसी काम के होने की जरूरत को कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स को तो जैसे नेसेसिटीज हैं रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्डर्स हैं एडवाइस हैं रिक्वेस्ट हैं डिमांड्स हैं इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं ये नॉन फैक्चुअल होती हैं भाई अगर मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप अपने घर जाए ठीक है तो इसका मतलब आप घर नहीं जा रहे हैं तो ये नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी ये नॉन फैक्चुअल सिचुएशन होगी कि आप अपने घर जाए अब इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि आप घर जाए आपको ऑर्डर कर रहे हैं इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिमांड कर रहे हैं या हम ये शो करना चाह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं ऐसा हो लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होगा नहीं ठीक है तो ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट डिमांड या रिक्वायरमेंट नेसेसिटी को एक्सप्रेस करें अब जैसे यहां पे है ना आई इंसिस्ट दैट दे हैव अ कार मैं इंसिस्ट करता हूं कि उनके पास कार होनी चाहिए तो ये डिमांड है इंसिस्ट वर्ड का मतलब यही होता है ना कि किसी काम को कम मतलब कमांड करने कि ऐसा हो तो आई इंसिस्ट कर रहा हूं कि इनके पास कार हो तो ये डिमांड है तो ये जो लिखा स्टेटमेंट है, है ना कि कोई फैक्ट। और ये डिमांड आई आई पास सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं।, कर हैं उन सिचुएशन में जो हाइपोथेटिकल है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अनरियल सिचुएशंस ठीक है इमेजिनरी सिचुएशंस उनके लिए पास सब्जेंट के मूड यूज करते हैं फिर से बता देता हूं पास सब्जेंट के मूड का मतलब है पास्ट फॉर्म ऑफ़ कार तो अगर मैं कह रहा हूं आई विश दैट दे मैं चाहता हूं कि उनके पास कार होती तो इसका मतलब पता क्या इसका अंडरस्टैंड मीनिंग गया बट हैव बट हैव लेकिन उनके पास कार है नहीं तो उनके पास कार नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि जो दे हैड अ कार हमने स्टेटमेंट लिखा है ना ये स्टेटमेंट एक अनरियलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है अनरियलिटी मतलब रियलिटी इसके ऑपोजिट है ठीक है एक्चुअली दे डोंट हैव अ कार बट हमारे वे से दे हैड अ कार तो इसका मतलब हैड अ कार स्टेटमेंट है ना इट इज एक्सप्रेसिंग सम काइंड ऑफ अनरियलिटी अ सिचुएशन व्हिच इज हाइपोथेटिकल बट नॉट ट्रू जो हाइपोथेटिकल ट्रू नहीं है तो ये जो हैड है ना ये पास सब्जेक्टिव मोड है हैवक कार एक डिमांड है मैं चाहता हूं कि उनके पास कार होनी चाहिए कोई जरूरत है कोई अर्जेंसी है ठीक है तो ये प्रजेंट सर्जन मूड है तो जब हम किसी ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं जो कि एक अर्जेंसी को एक्सप्रेस करे किसी नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस करे या किसी के ऑर्डर एडवाइस डिमांड प्रेयर को एक्सप्रेस करे तो वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में वर्ड्स लिखी जाती है अच्छा पास सब्जेक्टिव मोड का यूज हम उस सिचुएशन में करते हैं जहां पे मेंशन की गई या एक्सप्रेस की गई सिचुएशन जो है वो कोई अनरियलिटी या कोई इमेजिनेशन या कोई हाइपोथेसिस है उसको एक्सप्रेस करना हो तो फिर हम पास सब्जेक्टिव मोड यूज करते हैं ठीक है तो ये पास सब्जेक्टिव मोड प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड जो टर्म्स का डिफरेंस है वो आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा किस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट सब्जेक्टिव यूज होता है किस कॉन्टेक्स्ट में पास सब्जेक्टिव मोड यूज होता है ये थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा ठीक है अब मैं आपको ना इनको वन बाय वन डिटेल में समझाता हूं प्रेजेंट सब्जेक्टिव अलग से पास सब्जेक्टिव अलग से ठीक है चलिए तो व्हाट इज अबाउट टाइम फोर्टी सेवन चलिए तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड ठीक है प्रेजेंट सब्जेक्टिव के बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड भी लिख देता हूं ध्यान रखेंगे फिर से ध्यान रखना है प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को कहा जाता है सिंस देन के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज हो सकता है बेटा हां पास्ट इंडेफिनिट यूज हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड चलिए देखिए सबसे पहले मैं इसको एक तरीके से आपको डिफाइन कर दूंगी इसका यूज हम कब करते हैं ठीक है इट इज यूज इट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटीज रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स ठीक है ये ध्यान रखना है इनडायरेक्ट ऑर्डर्स डिमांड्स रिक्वेस्ट एडवाइस प्रेयर्स एक्सेट्रा तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज हम उन सिचुएशंस में करते हैं जहां पर हमें किसी नेसेसिटी या किसी रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस करना हो ठीक है या किसी इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस डिमांड को एक्सप्रेस करना हो या किसी प्रेयर को एक्सप्रेस करना हो ठीक है तो इन, इन सिचुएशन में हमें यूज करना पड़ता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा एक मिनट मैंने एक सेंटेंस लिखा They advised us that we work hard. Dusra. They advised him that he work hard. ये दो सेंटेंसेस हैं इनके थ्रू आप इस बात को समझें दे एडवाइज अस दैट वी वर्क हार्ड दे एडवाइज हिम दैट ही वर्क हार्ड अब देखिए अगर हम इन क्लॉजेस को अंडरलाइन कर दें वी वर्क हार्ड ही वर्क हार्ड तो हमें पता है कि वी वर्क हार्ड तो सही होगा मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं

एडवाइज उन्होंने उसे एडवाइज किया क्या एडवाइस किया कि वो भी मेहनत करे तो यह जो स्टेटमेंट है ना वी वर्क हार्ड हीस के कॉन्टेक्स में देखेंगे दे एडवाइज अस के साथ में रिलेट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह जो लिखी गई इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन फैक्चुअल नहीं है ये फैक्चुअल नहीं ये non -factual है नॉन फैक्चुअल है ठीक है अब अगर ये नॉन फैक्चुअल है तो फिर हमें ये पता करना है कौन से टाइप की नॉन फैक्चुअल है भाई इमेजनरी है अनरियलिटी है या किसी की ऑर्डर एडवाइस डिमांड विश प्रेयर नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है ठीक है तो जब हम यहाँ पे देखेंगे एडवाइस वर्क तो हमें पता चल जाएगा कि ये उनकी एडवाइस है हम ऐसा करें तो इसका मतलब एक इनडायरेक्ट एडवाइस है मतलब उनके अकॉर्डिंग एक रिक्वायरमेंट है कि हम ऐसा करें तभी वो हमें एडवाइस कर रहे हैं ऐसा करने के लिए ठीक है तो ये जो लिखी गई स्टेटमेंट है ये वी वर्क हार्ड ही वर्क हार्ड जब हम इनको मेन क्लॉज से रिलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये एक रिक्वायरमेंट है ये एक इनडायरेक्ट एडवाइस है ठीक है अब चूंकि एक देखो नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसका मतलब आपको सब्जेक्टिव मोड यूज करना पड़ेगा ठीक है अच्छा चूंकि ये एक नेसेसिटी है ये एक इनडायरेक्ट एडवाइस है तो हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड यूज करना पड़ेगा तो इन दोनों ही क्लॉजेस में लिखी गई वर्ब को हमें यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में अच्छा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड क्या होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड क्या होता है प्रेजेंट प्रेजेंट मूड होता है फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट फॉर्म वर्ब की कौन सी होती है प्रेजेंट फॉर्म वर्ब की होती है बेस फॉर्म गो तो इसका यूज करना है तो जब भी हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज करेंगे तो वर्ब हमेशा लिखी जाएगी बेस फॉर्म में बेस फॉर्म वर्क होती है सही है बेस फॉर्म वर्क होती है सही है तो एक्चुअली ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं अच्छा अब प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी भाई प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होगी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब जब बच्चा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को नहीं समझता और वो क्या चीज अप्लाई करता है वो देखता है कि हमारी मेन क्लॉज लिखी है पास्ट में एडवाइस लिखा है ना ये पास्ट टेंस है तो बच्चा ये सोचता है कि अगर ये मेन क्लॉज पास्ट में है तो इसकी जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट में होनी चाहिए क्योंकि लॉजिकली ऐसा ही होता है देखो होता क्या है कि अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है तो जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट में ही होगी ठीक है तो उस हिसाब से बच्चा सोचेगा कि अगर यहाँ पे एडवाइस लिखा हुआ है तो वहां पे वर्क होना चाहिए लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव मूड क्लियर है तो आप जान जाओगे कि वो लिखी गई इंफॉर्मेशन फैक्चुअल नहीं है वो लिखी गई इंफॉर्मेशन किसी रियल सिचुएशन को एक्सप्रेस नहीं कर रही है वो एक नॉन फैक्चुअल सिचुएशन है क्योंकि वो नॉन फैक्चुअल सिचुएशन है तो उसको हमें सब्जेक्टिव मूड में लिखना पड़ेगा ठीक है अच्छा सब्जेक्टिव मूड में चूंकि वो एक नेसेसिटी है रिक्वायरमेंट है इनडायरेक्ट एडवाइस है तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखना पड़ेगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होती है बेस फॉर्म कह लो या प्रेजेंट फॉर्म कह लो वर्ब की ठीक है तो वो जो वर्क है वो प्रेजेंट फॉर्म है वो सही है तो वर्क प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट सब्जेंट मूड प्रेजेंट फॉर्म सही है तो मतलब तो अच्छा, नहीं पता होंगी और अगर ये सारी बातें हमें नहीं पता होंगी तो हम क्या करेंगे इसको कर देंगे वर्क क्योंकि टेंस में यही पढ़ा जाता है ना भाई टेंस में तो हम यही पढ़ते हैं कि में, तो में होगी तो हम इसे कर देंगे वर्क ठीक है और इसे भी कर देंगे वर्क अच्छा ये हमें ज्यादा कंफ्यूज करता है ये ज्यादा कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि हमें लगता है यहां पे वर्क्स होना चाहिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बट ध्यान देना जो प्रेजेंट सब्जेक्ट मोड होता है बच्चे वो वर्क की बेस फॉर्म होती है बेस फॉर्म खैर एक छोटी सी बात और मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा दे ordered, मोहन

तो दैट ही स्पीक्स इन इंग्लिश जो है अगर हम इस स्टेटमेंट को केवल इतना लिखें ही स्पीक्स इन इंग्लिश ठीक है तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाएगी यह फैक्ट हो जाएगा कि भाई इंग्लिश बोलता है ठीक है अब चूंकि फैक्ट हो जाएगा तो इसको इंडिकेटिव मोड में लिखना पड़ेगा अब मैं अलग से लिख के समझाई देता हूं देखो ऐसा समझना अगर मान लो कहीं पे ये लिखा हो ही स्पीक्स इन इंग्लिश ठीक है तो ही स्पीक्स इन इंग्लिश जो है ना ये एक फैक्चुअल सिचुएशन है ठीक है है अब चूंकि फैक्चुअल सिचुएशन तो इसको इंडिकेटिव मूड में लिखना पड़ेगा इंडिकेटिव मूड वही होता है जो टेंस के अकॉर्डिंग हमें यूज करना पड़ता है तो हमें पता है कि अगर हम प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म स्पीक्स लिखनी पड़ेगी तो ये सही है ही इन इंग्लिश बट यहां पर कहानी क्या है यहां पर हमने लिखा थे ऑर्डर मोहन उन्होंने मोहन को ऑर्डर किया ठीक है तो इसका मतलब मोहन इंग्लिश में बोलता नहीं होगा क्योंकि अगर मोहन इंग्लिश में बोल रहा होता तो वो उसको ऑर्डर नहीं करते बोलने के लिए और अगर वो उसको ऑर्डर कर रहे हैं इंग्लिस में बोलने के लिए तो इसका मतलब ये लिखी गई स्टेटमेंट जो है ये नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नॉन फैक्चुअल सिचुएशन है चलो अब एक चीज तो पता चल गई नॉन फैक्चुअल है तो नॉन फैक्चुअल का मतलब इसको सब्जेक्टिव मोड में लिखना पड़ेगा अब ये कौन से टाइप की नॉन फैक्चुअल है इमेजिनरी या रिक्वायरमेंट अगर ये रिक्वायरमेंट टाइप की है तो फिर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड इमेजिनरी है हाइपोथेटिकल है तो पास्ट सब्जेक्टिव मोड तो यहाँ पे लिखा उन्होंने मोहन को ऑर्डर किया कि वो ऐसा करे तो इसका रिक्वायरमेंट है जो वो चाहते हैं कि ऐसा हो तो इसको हमें लिखना पड़ेगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में अच्छा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की बेस फॉर्म होती है तो ये जो हमने स्पीक्स लिखा ये तो वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है जो कि फैक्ट्स के लिए यूज होती है जो इंडिकेटिव मूड में यूज होती है लेकिन ये फैक्ट तो है नहीं तो आप इसको लिखें स्पीक दैट इज स्पीकिन इंग्लिश तो यहां पर हमें ध्यान ये रखना है बेटा मैं मॉडल्स पे भी आऊंगा सब्जेक्टिव मूड अच्छा टॉपिक है नहीं आज कवर हो पाया तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा कल भी नहीं कवर हो पाया तो मैं आपको परसों पढ़ाऊंगा मतलब जब सब्जेक्टिव मूड कवर हो जाएगा ये सीरीज में तभी खत्म करूंगा तो आप उसकी चिंता ना करें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बड़े बड़े पॉइंट्स हैं मैं सारे आपको समझा दूंगा सारे आपके क्लियर करवा दूंगा ठीक है आज नहीं हो पाएगा तो कल करेंगे आज तो ऑब्वियस भी बात है मैं भी जान गया कि आज नहीं हो पाएगा ठीक है तो आज नहीं होगा तो हम कल क्लास रखेंगे आप देखना मैं शाम तक आज क्लास शेड्यूल कर दूंगा कल की हम कल क्लास रखेंगे सब्जेक्टिव मूड कल कंटिन्यू करेंगे नहीं कल हुआ तो हम परसों कर लेंगे ठीक है तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब हम किसी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब हमेशा ही हमें बेस फॉर्म में लिखनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लोअल हो ठीक है मेन क्लॉज की वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखी गई वर्ब्स मूड में यूज होने वाली वर्ब्स हमेशा बेस में लिखी जाती हैं उनको टेंस या सब्जेक्ट के के चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो फैक्ट को एक्सप्रेस करती हैं जैसे ही स्पीक्स इन इंग्लिश लिखा ये एक फैक्ट है तो यहां पर हमने वर्ब की सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में यूज कर लिया लेकिन लिखी गई सिचुएशन है ये फैक्ट नहीं है क्योंकि ये फैक्ट नहीं है नॉन फैक्टुअल है तो इसको सब्जेक्टिव मोड में लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव मोड में सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं होती है वर्ब यूज होती है केवल मोड के, के अकॉर्डिंग तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है तो वर्ब की बेस फॉर्म पास्ट सब्जेक्टिव मोड है तो वर्ब की पास्ट फॉर्म तो यहां पर हमें लिखना है स्पीक ना कि अच्छा अब होता क्या है एक छोटी सी बात और ध्यान देनी है कि जब आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड यूज करते हैं तो हमेशा उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है जब भी हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड यूज करते हैं अब मान लो मैं केवल अगर सेंटेंस ऐसे लिख दू मैं लिख दू कमल कमल वर्क हार्ड तो ये गलत है कमल वर्क हार्ड ये गलत है ठीक है क्योंकि आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे कि ये रिक्वायरमेंट है कैसे प्रूव करोगे रिक्वायरमेंट है कैसे प्रूव करोगे ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट डिमांड है तो आप इसको प्रूव नहीं कर पाओगे ठीक है तो चूंकि आप इसे प्रूव नहीं कर पाओगे तो ये गलत है आप इसको सब्जेक्टिव मोड नहीं इसको इंडिकेटिव मोड मानना पड़ेगा और इंडिकेटिव मोड के अकॉर्डिंग वर्क्स लिखना पड़ेगा लेकिन अगर मैं इससे पहले ये लिख दू आई एडवाइज दैट अगर मैं लिख एडवाइज दैट अगर मैं एडवाइस दैट इससे पहले लिख दूंगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये लिखी गई सिचुएशन जो एक एडवाइस है ना कि कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो फिर हम इसको वर्क वापस लिख सकते हैं तो जब भी हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड जो होते हैं ना वो हमेशा नाउन क्लॉज में यूज होते हैं ये चीज ध्यान रखनी है प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड हमेशा नाउन क्लॉज में यूज होता है तो जब आप नाउन क्लॉज यूज करोगे तो उससे पहले कोई ना कोई मेन क्लॉज भी यूज करोगे वो तो जो मेन क्लॉज की वर्ब्स होती हैं मेन क्लॉज के नाउन्स होते हैं मेन क्लॉज के एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे ये क्लियर हो जाता है कि हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड यूज करना है या प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड नहीं यूज करना है ठीक है उससे हमें पता चल जाता है कि हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड यूज करना है या प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड यूज नहीं करना है अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे क्या मेन क्लॉज में हमारे हिंट वर्ड्स होते हैं जिनसे हम ये जान जाते हैं कि हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड अब यूज करना है या नहीं करना है देखिए मैं समझाता हूं वर्ड्स विच इंट्रोड्यूस प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड वर्ड्स विच इंट्रोड्यूस प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड ऐसे वर्ड्स जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड को इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है जिन जब हम मेन क्लॉज में उनका यूज करते हैं तो ये हमें क्लियर हो जाता है कि हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का यूज करना है ठीक है देखिए, एक तो होती है कुछ वर्ब्स जिनसे हमें पता चल जाता है ठीक है एक तो होती हैं कुछ वर्ब्स जिनसे हमें पता चल जाता है कि अब हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड यूज करने की जरूरत है किस तरीके की वर्ब्स होती हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है देखिए मैं आपको समझाता हूं कमांड है रिकमेंड है विश है प्रेफर है प्रपोज है सजेस्ट है वोट है रूल है ठीक है एडवाइस लिख दिया एटसेट्रा तो एक तो ये इस तरीके की वर्ब्स होती हैं ठीक इनसे हमें पता चल जाता है कि अब हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड यूज करना पड़ेगा ठीक दूसरा देखो कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं मेन क्लॉज में यूज होने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे भी हमें पता चल जाता है ठीक है जैसे मान लो हमने एडजेक्टिव यूज कर लिया इंपेरेटिव अर्जेंट एसेंशियल एसेंशियल ठीक है अर्जेंट लिख दिया अच्छा एक मिनट इंपॉर्टेंट प्रेफरेबल ठीक है एडवाइजेबल नेसेसरी रिक्वायर्ड जेस्टेड एटसेट्रा अच्छा जब हम एड्जेक्टिव यूज करते हैं ना तो हमारी मेन क्लॉज के फॉर्मेट क्या होते हैं समझ लेना इट इज प्रेफरेबल दैट ठीक है It is preferable that, it is required that, it is advisable that, it is essential that, it is urgent that, it is important that वगैरह वगैरह तो जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं ना तो एडजेक्टिव इस तरीके से इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाते हैं और ये जो इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है ना ये उस नाउन क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हमें सब्जेक्टिव मूड यूज करना पड़ता है ठीक है ये ध्यान रखना जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हमेशा नाउन क्लॉज में यूज होता है तो अगर हम कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से पहले तो वो जो एडजेक्टिव होगा वो इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के लिए एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज होगा और वो इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट जो होती है वो उस नाउन क्लॉज के लिए यूज की जाती है जिस नाउन क्लॉज में हमें सब्जेक्टिव मूड यूज करना पड़ता है ठीक है ये ध्यान रखना है ठीक है चलिए नमस्ते बच्चों तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हो गया

उसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड ठीक है अब फिर जब प्रेजेंट और पास दोनों सब्जेक्टिव मूड डिस्कस हो जाएंगे फिर हम डिस्कस करेंगे इनके प्रैक्टिस सो दिस वीक वी आर तो थैंक यू एवरीबडी अब चलते हैं ठीक है ये कुछ बच्चे हैं कौन है ये क्या नाम है इसका क्या 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 लिख रहा है ये नाम क्या है इसका नाम ही नहीं पकड़ में आएगा पगलेगा चलो इसको हाइड यूजर ऑन दिस चैनल हाँ देर इज समन हेट्स होम डज ही हेट आई डोंट नो मस्त्र भैया बहुत अच्छा सो स्मार्ट गाय अच्छा ये देखो बच्चे का नाम हो गया स्मार्ट गाय सो डियर स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू से बाय नाउ एंड मीट टू कंटिन्यू दिस लेक्चर सब्जेक्टिव मूड को हम कंटिन्यू करते रहेंगे आज के लिए बाय एवरीबॉडी गुड नाइट